तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने किया दावा 2024 में मुसलमानों की लाशों पर बनेगी केंद्र में बीजेपी की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीदरलैंड में तुर्की के दूतावास के सामने जलाई गई कुरान शरीफ, तो भड़के मुस्लिम देश नीदरलैंड पर हमले का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में बीजेपी को जिताने के लिए अब मुसलमानों के घर जाकर RSS मांगेगी वोट, संघ प्रमुख ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल नहीं नीतीश कुमार होंगे पीएम फेस, राजद और JDU ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, अब प्रमोद टांडन ने बीजेपी छोड़कर थाम लिया है कांग्रेस का दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर दरगाह आए जायरीन के बाल और मूंछ खादिम ने काटी, नजराने के पैसे नहीं देने पर किया ये सलूक, FIR हुई दर्ज, अब होंगे ये खादिम गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी ने किया दावा मुसलमानों की लाशों पर बनेगी केंद्र में सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक जमीरुल्लाह खान ने आज मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस बार मुसलमानों की लाशों पर लड़ा जाएगा, चाहे सरकार किसी की बने लेकिन मुसलमानों की लाशों पर सरकार बनेगी, सरकार वो कांग्रेस की हो या BJP की हो, लेकिन टारगेट सिर्फ मुसलमान होंगे और टारगेट पर इस समय भी मुसलमान है। आगे उन्होंने कहा है कि अभी आप लोगों को बहुत कुछ देखना बाकी है। उन्होंने कहा है कि 2024 आते-आते देखना क्या होगा, आपका जीना हराम भारत में हो जाएगा, इसलिए अपने हिंदू भाइयों के साथ बहुत मेल जोल बढ़ाकर साथ साथ रहें। उन्होंने कहा है कि किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार BJP सरकार 2024 का चुनाव जीतने के लिए अभी से कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीदरलैंड में तुर्की के दूतावास के सामने जलाएगी फिर से कुरान शरीफ, तो भड़के मुस्लिम देश कार्रवाई का किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि नीदरलैंड में चरमपंथी इस्लामी विरोधी समूह पेडिंगा के नेता एडविन ने 23 सितंबर को पुलिस सुरक्षा के बीच पवित्र कुरान शरीफ को एक बार फिर से जला दिया है। कुरान शरीफ की पहले कॉपियाँ फाड़ी, उसके बाद उसे पैर से रौंदा और फिर उसमें आग लगा दी। ये घटना नीदरलैंड के हेग में तुर्की के दूतावास के सामने हुई है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद दुनिया भर के देश भड़क उठे और नीदरलैंड पर कार्रवाई करने की मुस्लिम देशों से मांग करने लगे। वहीं आपको बता दें कि बीते ही दिनों तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने जो है कुरान शरीफ का अपमान करने वाले लोगों को चेतावनी दी थी और कहा था कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपसे बदला लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि उनके बयान के 4-5 दिन बाद ही नीदरलैंड में यह घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि अब मुस्लिम देश नीदरलैंड पर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले स्वीडन और डेनमार्क में भी कुरान शरीफ का अपमान किया गया था, कुरान शरीफ जलाई गई थी, जिसके बाद मुस्लिम देश भड़के थे और उन्होंने कार्रवाई की थी। अब देखते हैं कि नीदरलैंड पर क्या कार्रवाई मुस्लिम देश करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए मुसलमानों के बीच जाएगी RSS, सभी कार्यकर्ता मुसलमानों से करेंगे बीजेपी को वोट देने की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, RSS और बीजेपी वैसे वैसे अपनी गतिविधियों को तेज कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 2024 में बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए अब RSS ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। RSS ने अब मुसलमानों को का बकरा बनाना शुरू कर दिया है। आपसे कहें दोस्तों कि RSS ने अब एक योजना बनाई है, इस योजना के तहत RSS गैर हिंदुओं के पास जाएगी, यानी RSS मुसलमानों के पास जाएगी, मुसलमानों को मनाएगी और मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेगी। और RSS के जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी अपने अपने क्षेत्र में ये काम करेंगे, RSS ने ये ऐलान आज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि RSS के नेता मुसलमानों की मस्जिद और मजारों पर भी जाएंगे, धार्मिक स्थलों का दौरा भी करेंगे और मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। दोस्तों आपके क्या लगता है कि RSS के इस काम से मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल नहीं नीतीश कुमार होंगे पीएम उम्मीदवार। जो दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया बनाम एनडीए की सियासत तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने साफ कह दिया है कि 2024 का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी वो ही पीएम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से होंगे। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक तरफ राहुल गांधी को देश की जनता और इंडिया गठबंधन के अधिकतम नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी नहीं बल्कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार होंगे। इस बात का खुलासा इससे हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, उसके नेताओं ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना चाहते हैं और नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार होंगे। तो इससे साफ होता है कि नीतीश कुमार को जेडीयू और राजद जो है पीएम बनाना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनना चाहिए या नीतीश कुमार को, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा नेता सबसे अच्छा देश चलाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर दरगाह आए जायरीन के वाल और मूंछ काटी, नजराने के पैसा नहीं देने पर किया ये सलूक। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में ज्यारत करने आए एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये शख्स मध्य प्रदेश के हामिदपुरा बुरहानपुर का रहने वाला है और उसका नाम सरबर हुसैन है। वहीं आपको बता दें कि सरबर ने अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई है और अपनी शिकायत में बताया है कि वह 23 सितंबर को अपने दोस्तों के साथ अजमेर दरगाह आया था। इस दिन दोपहर को जब वह ज्यारत करने पहुंचा तो आज थाना में खादिम ने नजराने के पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर वहां मौजूद कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और नजराने के पैसे देने के लिए जबरदस्ती करने लगे। इसके बाद उन्होंने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की। मारपीट करने वाले लोगों में से एक लड़के का नाम रहमत अली था। उन लड़कों के साथ 2-3 महिलाएं भी शामिल थीं। इन सभी लोगों ने सरवर को जबरदस्ती पकड़ उसके सिर के बाल और एक तरफ की मूंछ काट दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एक एक करके साथ छोड़े हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथी, अब प्रमोद टंडन ने थामा फिर से कांग्रेस का हाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी होगी कांग्रेस में वापसी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव का अहम चेहरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई है, उसी दिन से उसके सहयोगी उनका साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं। पहले सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में समंदर पटेल गए थे, जिन्होंने भी घर वापसी कर ली, वो भी दोबारा अब कांग्रेस में शामिल हो गए। और अब प्रमोद टांडन, ये भी बीजेपी में सिंधिया के साथ ही गए थे, लेकिन इन्होंने भी अब कांग्रेस पार्टी में वापसी कर ली है। क्योंकि आपको बता दें कि 2024 में जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है और जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और इसी डर से ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़कर जो है कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका की खुफिया जानकारी के आधार पर कनाडा ने भारत पर लगाया निज्जर की हत्या का आरोप, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जो दोस्तों आपको बता दें कि भारत कनाडा विवाद के बीच खबर सामने आई है कि अमेरिका ने हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा से खुफिया जानकारी साझा की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने वैंकूवर इलाके में एक सिख अलगावादी नेता की हत्या के बाद कनाडा को सूचना भेजी थी, लेकिन कनाडा ने सबसे अंत में खुफिया जानकारी को भारत के खिलाफ तैयार किया। इस आधार पर ही भारत पर हत्या की साजिश रचने का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की रिपोर्ट कनाडा गई थी। अमरीकी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जो सिख नेता है निज्जर, जिसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या भारत सरकार ने करवाई है या फिर भारत के लोगों ने की है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने भरी सदन में भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा नेता वसुंधरा राजे से की मुलाकात, भाजपा के लिए बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने गुरुवार को राजस्थान के
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर तमाम तरह की सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात जयपुर के एक क्लब में हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि जो है वसुंधरा राजे बीजेपी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार राजस्थान में बनना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती है। उन्हें टिकट तो देना चाहती है, लेकिन सीएम फेस उन्हें राजस्थान में नहीं बनाना चाहती है। इसी के कारण उम्मीद यही जताई जा रही दोस्तों कि 2024 में जो विधानसभा के चुनाव राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं, तो राजस्थान में बीजेपी अगर सीएम फेस उनको नहीं बनाती है तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने ये मुलाकात की है, जिससे भाजपा की भी टेंशन बढ़ गई है और सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटो भी जमकर वायरल हो रहे हैं।